पाकिस्तान ने न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की रुकनियत के लिए बाकायदा दरख्वास्त कर दी है। पाकिस्तान की जानिब से रुकनियत के लिए न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के चेयरमैन को खत लिखा गया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा नफीस जिक्रिया के मुताबिक पाकिस्तान ने न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की रुकनियत के लिए बाकायदा तौर पर खत के जरिए दरख्वास्त कर दी है। खत वियाना में पाकिस्तानी सफीर के जरिए न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के चेयरमैन को भेजा गया है। दफ्तर खारजा के मुताबिक खत में मौकिफ इख्तियार किया गया है कि पाकिस्तान तबाकुन हथियारों के इस्तेमाल के खिलाफ आलमी कोशिशों की हिमायत करता है। पाकिस्तान न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के हवाले से तजर्बा, अफरादी कुव्वत और इंफ्रास्ट्रक्चर रखता है, जबकि न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की कंट्रोल अशिया, मसनूआत, खिदमात और पुरम मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाली एप्लीकेशन भी पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। खत में मजीद कहा गया है कि पाकिस्तान एटमी तहफ्फुज़ और सलामती को खसूसी अहमियत देता है और उसने आलमी मेयारात के मुताबिक एटमी सलामती और तहफ्फुज़ के लिए तमाम कानूनी, रेगुलेटरी और इंतजामी इकदाम किए हैं। दफ्तर खारजा का कहना था कि पाकिस्तान की नेशनल एक्सपोर्ट कंट्रोल फहरिस्त, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप और MTCR की कंट्रोल फहरिस्तों से हम आहंग है। पाकिस्तान न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की जानिब से रुकनियत के हसूल के ख्वाहिशमंद इन ममालिक के लिए बिला इम्तियाज तरीके कार अख्तियार करने पर जोर देता है जो NPT के रुकन नहीं है।